हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप अपने फ़ोन में जो रोटेशन प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो। जो रोटेशन यानी कि गाइस, अगर आपके फ़ोन में आपको जो फ़ोन है ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक घूम जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऐसे आप जैसे कि फ़ोन है, आप जैसे अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं तो आप जो स्क्रीन है वो भी रोटेट हो जाती है, यानी कि जो ऑटो रोटेट स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे फिक्स करना है आज इस वीडियो में सीखने वाले। तो गाइस, आप देखेंगे कि जैसे कि मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर रोटेट करता हूँ, लाइक मैंने फ़ोन को रोटेट किया तो मेरा जो स्क्रीन है वो भी रोटेट हो गया। आप देखेंगे कि ये भी रोटेट हो चुका है। आप रोटेट करके अपने डेस्कटॉप की तरह अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे गाइस आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, पर आपको ये वाला जो फीचर है आपको ऑफ करना है, जैसे कि आप जब भी फ़ोन थोड़ा घूमता है तो जिसकी स्क्रीन है ऑटोमेटिक रोटेट हो जाती है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में इसको फिक्स करना है, कैसे करना है वीडियो में सीखते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो गाइस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं कैसे आप ऑटो रोटेशन जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं। सिंपली गाइस, आपको अपनी जो फ़ोन की सेटिंग है, फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। और गाइस, जैसे आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो गाइज, यही है आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर लेना है। ऑफ करते ही जो आपका प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुका है, यानी कि आपका जो फ़ोन है जब तक आप इसे अपने मर्जी से रोटेट नहीं करते हैं तब तक ये ऑटोमेटिक रोटेट नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं मैं कितना यहाँ पे कर रहा हूँ, पर यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको वापस ऑन कर दूँ, आप ऊपर से भी इस फीचर को ऑन कर सकते हैं ऑटो रोटेशन को, और लाइक जैसे कि मैंने इसको वापस किया तो ये रोटेट हो गया। तो गाइज़, जो ये फीचर होता है इसे आप इजीली यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं ऊपर से भी आप यहां से ऑटो रोटेशन जो ऑप्शन है उसे ऑफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सेटिंग में तो आपको ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है गाइस। तो आपके फ़ोन में जो ये प्रॉब्लम है, यानी कि जो ऑटो रोटेशन जो प्रॉब्लम है, यानी कि बार बार जब फ़ोन रोटेट हो रहा है, तो ईज़िली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़, आप यहाँ से मैंने जो ऑप्शन होता है आपको सिंपली ऊपर स्वाइप करके ईजिली आप ऑफ भी इसे आप कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपको मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।